ये है राइनॉक्स का रेन विंटर लाइनर। ठीक है, ये है टैंग बैक, रेडिया में चमकेगा, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी इधर भी रेडिया में, इस साइड पे भी रेडिया में चमकेगा। ठीक है, उससे आ जाता है इज द राइनॉक्स का विंटर, ये रेन लाइनर। ये है एक्चुअली ना, ये जो है, ये जो रेडियम में ग्लो कर रहा है रात को लाइट पड़ते, इसीलिए ना ये और ये लेवल टू प्रोटेक्टर है। इधर लेवल टू प्रोटेक्टर, इसमें बैक में है, नेक पे है, और चेस्ट के लिए जगह बना हुआ है। अगर चाहता है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और दोनों साइड पे, और इसमें आर्म में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। दिस इज अ राइनॉक्स ARGT-3, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये राइनॉक्स ARGT-3। ये नीगार्ड, और ये मेरा, ये बहुत, ये टारमैक का है हैंड ग्लव्स। ये बड़ा महंगा लिया यार, 2000 का दो हैंड ग्लव्स है, 2000 का ये बहुत महंगा लिया ये। और वो मेरा सैडल बैग है ये वाला, हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जो हमारा यात्रा का जो प्लानिंग चल रहा है, उसमें से कुछ चीजें इम्पोर्टेंट था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसका शुरुआत हो चुका है। तो आज मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ, एक राइडिंग गियर का। एंड हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज कुछ सामान मैंने परचेस किया था, तो वही आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल सुदीप्तो सोलो राइडर। सो स्टार्ट करता है, और आप लोगों को मैंने एक प्रॉपरली एक एक चीज दिखाऊंगा, और क्या रेट है, और मैंने किधर से लिया हूँ वो दिखाऊंगा। सबसे फर्स्ट में आ रहा हूं मैं हैंड ग्लव्स। जो हैंड ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है टारमैक का हैंड ग्लव्स है। ये एकदम कंफर्टेबल है, मैंने इसको पहन के देखा हूं। लेदर में है, और इसमें प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे, एकदम कंफर्टेबल है। मैं इसको राइडिंग में मैंने चेक किया था, ये एकदम कंफर्टेबल है, और प्रॉपर प्रोटेक्टर के साथ है टारमैक। और इसमें जो है, ये जो हम मेरा जो टैंक बैग होगा, उसमें मैंने इसका मैं यूज कर सकता हूँ, स्क्रीन टच भी इसके साथ। ठीक है, ये आएगा आपका ₹2000 का वन पेयर टारमैक का। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो सेफ्टी लेके सब कुछ है। लाइक दिस, आई एम वेरी हैप्पी विथ दिस प्रोडक्ट, टारमैक का हैंड ग्लव्स। ओके ओके, चलो फिर ये रखते हैं। अभी आपको मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता हूं। माइक तो लगाया नहीं है, अभी आवाज आ रहा है कि नहीं ढंग से मुझे पता नहीं है। आई थिंक आवाज आ रहा है, क्योंकि
पंखा तो मैंने बंद करके रखा हूँ, बहुत गर्मी भी हो रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये गोल्डन राइडर का टैंक बैग। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, सही में टैंक बैग बहुत जरूरी है। और ये इसका साइज में भूल गया हूँ क्या साइज है क्या नहीं साइज है, मैंने एक्चुअली में याद नहीं आ रहा है। बट और इसको इसके अंदर काफी सारा कुछ फैसिलिटी भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका स्ट्रैप है, ये इसका रेन लाइनर वाला प्रोटेक्टर है इसके अंदर, जो नाइट पे भी ग्लो करेगा, ठीक है। ये देखो इसके अंदर डेप्थ कितना है, बहुत ज्यादा डेप्थ है। और ये अगर आप मेरे को इतना सामान नहीं चाहिए तो ये मैं छोटा भी कर सकता हूँ इसको, और ये अभी एक्सपेंडेबल होके इतना बड़ा है। और ये आपका टैंक बैग टैंक में बिल्कुल लग जाएगा ये ऐसे। अगर मेरे को इसको बैकपैक में यूज करने का है तो मैं ये दोनों स्ट्रैप इसका निकालूंगा इसे हाथ से। इधर इसका क्लिप है, और एज अ बैकपैक में इसको कोई मैं यूज भी कर सकता हूं। एक मिनट मेरा पंखा बंद कर देता हूं, आवाज आ रहा है। इसका अंदर मैंने मोबाइल लगा रख के मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूं। ये जो टारमैक का जो हैंड ग्लव्स है ये टच स्क्रीन ऑपरेट कर सकता है मैं इसमें से, ठीक है। टैंक बैग बहुत जरूरी चीज है, इसमें मेरा जो पार्ट्स रहेगा पार्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे को अर्जेंटली चाहिए रास्ता में ये मैं इसको यूज कर सकता हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से यूज कर सकता हूँ, एज अ टैंक बैग में उसको यूज कर सकता हूँ इस चीज को, और मैं इसे एज अ बैकपैक भी यूज कर सकता हूँ। और सबसे मेन थिंग्स जो है इसका अंदर जो ये रेल लाइनर है ये नाइट का टाइम पे ये ग्लो भी करेगा, ठीक है। ये ऐसा आएगा, जिस दिन मैंने बैक टैंप मेरा बाइक पे इसको लगाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे को क्या प्राइस आया हुआ पड़ा था ये एक मिनट में चेक करके बता रहा, मैं भूल गया। मेरे जो टैंक बैक है इसका है 2600 रुपीज का, ये टैंक बैग है, ये टैंक बैग 2000। इसमें दो इस साइड पर टैंक बैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको जब भी राइड में जाना चाहिए तो टैंक भी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अभी मैं वीडियो ऑफ कर दे। तो इसमें अगर बैकपैक मुझे जब अगर जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसका जो मैग्नेट है जो एज अ मैं टैंक बैग जब यूज करूंगा तो इसमें जो मैग्नेट है इसका मैग्नेट अगर आप देखोगे इसमें ना ये जो स्ट्रैप है स्ट्रैप को आपको अंदर कर देने का, और ये पूरा इसमें स्क्रैच भी नहीं आएगा मेरा उसमें टैंक में। और आपको मैंने एक एग्जांपल में दिखा, इसका जो मैग्नेट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इसको मैंने आपको एज अ एग्जांपल में दिखाऊं तो ये मैग्नेट आप देखो ये वाला, ये मैं मेरा अगर फ्रिज में मैं ऐसे इसको लगा दूं और ये रात को ये जो रेडिया में ये ग्लो करेगा, ये जो स्ट्रैप लगा हुआ है इधर, ये इधर भी है, इधर भी है, फ्रंट पे भी है और बैक पे भी है, ओके। तो अभी हम जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर बात करते हैं, इसको एज अ पैक अभी पैक करके रख देते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाता हूं।
तो जो नेक्स्ट आइटम है वो है सैडल बैग। ये है गोल्डन राइडर का सैडल बैग है, ये बीच वाला जो सीट है इसमें आ जाएगा। और थोड़ा सा इधर लेकर दिखाते हैं, ये इसका जो बीच में जो ये स्ट्रैप दे सकते हैं हम इसमें। ये एक 24 लीटर का है, 48 लीटर का है, सेम इधर भी है। रेन लाइनर भी दे रखा हुआ है, लेट लाइनर भी बहुत सुंदर है। जैसे ये बीच वाला सीट पे आ गया, सॉरी ये ऐसा आएगा, और ये हमने रेन लाइनर हम दोनों साइड पे जो नाइट पे ग्लो भी करेगा ये रेन लाइनर, और ये सीट के ऊपर रहेगा। ये 48 लीटर का है, ठीक है, बहुत एक सिंगल पर्सन के लिए आई थिंक इज ए गुड एनफ, ठीक है। ये वन टाइम इज इन्वेस्टमेंट है, अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो हम ये काफी लंबा तक चलेगा, कम से कम 3-4 साल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक। और काफी जगह है, अगर जैसे मैं सोलो राइड करता हूँ तो मेरा जितना भी नॉर्मल चीज है मैं इसमें कैरी कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर से इसमें और एक स्ट्रैप दे रखा हुआ है इस एरिया पे भी, ठीक है, इस एरिया पे भी हम कुछ लगा सकता है उसके ऊपर से। ये हम ओवरऑल इसको हम इधर से इसको लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो प्लस पॉइंट दूसरा है, इसमें 2 लीटर का, इसमें दोनों साइड पे वेलक्रो के साथ ये 2 लीटर का जगह है। अगर मैंने 1 लीटर का मैं पानी का बोतल रखूं इधर रख सकता हूँ, इधर मैं 2 लीटर का ऑयल का जेरिकन रख सकता हूँ, इधर भी 2 लीटर का मैं ऑयल का पेट्रोल का मेरा एक्चुअली जेरिकन रख सकता हूँ। 2-4 लीटर हो गया मेरा, 4 लीटर तेल मेरा बैकअप में आ गया, और मैं एक साइड में पानी भी रख सकता हूँ जो मेरे को रास्ते में अर्जेंटली काम का आएगा, जो मैं निकाल के पानी पी सकता हूँ। अगर क्योंकि मेरे को एक्चुअली हाइड्रेशन बैग उतना पसंद नहीं है, वो पाइप से पानी पीना, मैं अगर बाइक रुकूंगा अभी बाइक को भी रेस्ट हो जाएगा 5 मिनट, हमें पानी का बोतल इधर से निकल के हम पानी भी पी सकते हैं। एक में फ्लास्क में टी भी रख सकता हूँ, और बहुत बढ़िया है एक्चुअली, मेरे को सही लगा है। अभी रीजनेबल प्राइस में 2200 का आएगा ये बैग, और अच्छा सेट भी करेगा आई थिंक एक सोलो पर्सन के लिए, बस सोलो ट्रेवलर के लिए इज अ वेरी गुड थिंग, आप ये सोच सकते हो। और ये मैंने लिया हूँ जो आर्य समर रोज करोलबाग में चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स, उनका एक यूट्यूब का चैनल है, मैं फॉलो करता हूँ एक्चुअली, मेरे को अच्छा लगता है वो बंदा जो फोन गौरव जी, आज मैंने शाम को मिला था, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उनका एक तो शॉप बड़ा छोटा है और बहुत ज्यादा क्राउड है उनका शॉप में, तो मैंने कम से कम 2 आवर्स उसमें स्पेंड किया हूँ, बट मेरे को जो भी सामान चाहिए था मैंने ये लिया। तो आई थिंक आप देख सकते हो ये है गोल्डन राइडर का है, गोल्डन राइडर का जो गोल्डन कार्डबोर्ड का जो वेबसाइट पे है उसमें भी मैंने चेक किया था, ये गोल्डन राइडर का है 48 लीटर का ये दोनों सैडल बैग है, तो ठीक है एक स्लो राइडर के लिए ठीक है, अगर आप स्लो जा रहे हो तो आपके लिए ठीक है ये। और एक टैंक बैग रह जाएगा, आई थिंक इज गुड एनफ। टेल बैग भी चाहिए होगा शायद, तो टेल बैग के बारे में, टेल बैग पे मैं आ रहा हूँ। टेल बैग मैंने गोल्डन राइडर का नहीं लिया, मैंने टेल बैग मैंने बनवाया किसी से, क्योंकि टेल बैग बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसमें मेरा कुछ इम्पोर्टेंट कुछ वेट वाला सामान मैं रख के मैं कैरी कर सकता हूँ, मैंने टेल बैग मैंने बनवाया, तो टेल बैग के बारे में आ रहा हूँ, मैंने टेल बैग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टेल बैग ये 100 लीटर में है, 100 लीटर में वाटरप्रूफ कपड़ा है ये, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप चाहो तो आप इसमें एक बार लेके आओ इधर, इसमें ये नॉर्मल जस्ट इसका देखो, ये 100 लीटर का है, ये इसका रेन लाइनर कवर भी है, और इसमें काफी ज्यादा स्पेस है, इसमें कुछ नहीं करने का, इसमें जो मेरा वेट वाला सामान है मैं इसमें रख सकता हूँ, और रख के ये कवर कर दूं, और इसको बंजी कॉर्ड से हम इसको बांध लेंगे हम लोग, दैट्स इट। और अगर इसको जरूरत पड़े इसके ऊपर से हम
ये वाटर प्रूफ कपड़ा है, वाटर प्रूफ नहीं बोलूंगा मैं, वाटर रेजिस्टेंट है ये। अगर चाहता है तो हम इसके ऊपर ये लगा लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि एक अगर आप स्लो राइड कर रहे हो तो आई थिंक इज गुड एनफ एक स्लो राइडर के लिए। क्योंकि इसके ऊपर मैंने ये इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, जो आपका अगर आप कैंपिंग कर रहे हो तो आपका जो खाने पीने का सामान होगा, कुछ भारी भारी चीजें होगा कैरी करने के लिए, जो वेट वाला सामान है, जो शू आपको ट्रैकिंग करने के लिए लगेगा। बट राइडिंग का भी कर रहे हो तो जो बाकी जो ट्रैकिंग वाला शू होगा, ट्रैकिंग वाला जो आपका ड्रेस होगा, तो ट्रैकिंग ड्रेस और आपका राइडिंग ड्रेस तो सेम नहीं होगा। जैसे अगर हम केदारनाथ जा रहे हैं तो हम इधर से सोनपुर तक जो राइडिंग करेंगे तो राइडिंग का सामान अलग है, ड्रेस अलग है, राइडिंग का शू अलग है। उसके बाद जाकर उधर जाके हम ट्रेकिंग स्टार्ट करेंगे, उसका शू अलग होगा, उसका ड्रेस अलग होगा। तो वो सब कैरी हम भारी जो सामान है हम इसमें कैरी कर सकता है। उसके बाद हमारा जो कैंपिंग का जो सामान होगा, कुछ ना कुछ जैसे स्लीपिंग बैग, इसमें एक मैट्रेस आराम से आ जाएगा। आपको मैं वो चीज दिखाऊंगा, इसमें मैट्रेस भी आ जाएगा और स्लीपिंग, तो हमारा जो इसको ऊपर से बांधने का और जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ, जो मैट और जो स्लीपिंग बैग, ये बहुत अच्छा से इसके अंदर हम पैक कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो मैट है जिसको हम टेंट के अंदर बिछाएंगे, इसको बैग को ऊपर ऐसे बांध के ऊंचा करने का कोई फायदा नहीं है। जब मेरे पास बैग है तो हम इसको अंदर हम इसको आराम से डाल सकते हैं। इस बैग को देखो, एकदम एक साइड पे पूरा फिट बैठ गया। स्लीपिंग बैग है आराम से, ये स्लीपिंग बैग भी इसके अंदर हम कैरी कर सकते हैं। दोनों चीजें आ गया आराम से, बहुत ज्यादा जगह पेस भी है। दिखाओ इधर, काफी जगह पेस है, काफी पेस है इसके अंदर। तो मैं जैसे एग्जांपल देने के बोलते, एक बैग अगर ये चाहता है तो हम लेस का अगर ऊपर बांधना चाहता है तो हम बांध बेबा, ये सेफ है तो ये इसको ऊपर हम रख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है राइडिंग जैकेट। तो राइडिंग जैकेट का तीन पार्ट है, एक तो है आपका विंटर लाइनर, उसके बाद राइडिंग जैकेट विथ प्रोटेक्टर एंड रेन लाइनर। तो सबसे पहले हम चलते हैं राइनक्स का ये विंटर लाइनर के साथ। विंटर लाइनर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हमको ज्यादा लगेज कैरी नहीं करने का तो विंटर लाइनर एक मायने रखता है। क्योंकि विंटर लाइनर, ये राइनक्स का विंटर लाइनर है, मेरे को मालूम नहीं है इधर लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं चाह रहा था ये लाइट ऑन कर दूं एक बार इस साइड वाला। शायद ये आ जाए थोड़ा सा लाइट आ जाए। ये विंटर लाइनर है ये वाला, ये राइनक्स का विंटर लाइनर है, प्रॉपर फिट भी आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक ही पॉकेट, एक ही ये साइड में जो एक पॉकेट एक ही है एक साइड का, ठीक है। नेक्स्ट जो ये राइनक्स का एआर जीटी थ्री है, मैं पहले आपको अंदर से दिखा देता हूं। ये लेवल टू प्रोटेक्टर के साथ है, ये बैक प्रोटेक्टर है, ये नेक प्रोटेक्टर है, और ये चेस्ट प्रोटेक्टर का जगह बना हुआ है इधर। अगर चाहता है तो आप चेस्ट प्रोटेक्टर इसमें लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाया अभी, मैं लगा लूंगा, ठीक है। इसमें एक चेन रखा हुआ है इधर, इसमें इंटरनल पॉकेट दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारा अगर पैंट है, उस पैंट के साथ, राइडिंग पैंट के साथ इसको अटैच करने के लिए ये भी दे रखा हुआ है, आप इधर से अटैच कर सकते हो, ठीक है। ये चेस्ट प्रोटेक्टर के लिए ये वाला साइड, दोनों साइड में।
इसमें हमारे ये जो एल्बो में भी लगा हुआ है प्रोटेक्टर, शोल्डर में भी प्रोटेक्टर है, और ये टोटली जो है, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, अगर नहीं हो तो इसको आप अपना हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये भी बोल पर इसमें है, इधर में आप एडजस्ट कर सकते हो, इधर भी एडजस्ट कर, मेरे लिए ठीक है, मैंने उस हिसाब से इसको एडजस्ट करके रखा हूं। राइनॉक्स एयर GT3 दोनों साइड में जीप है, अब एक बार देख लीजिए। ये जो है ये 5700 का है, चोपड़ा ऑटोमोबाइल से मैंने लिया हूं, और मैंने पहले राइनॉक्स का वेबसाइट में मैं इसका रेट भी चेक कर लिया था ऑलरेडी, आपको कुछ डिस्काउंट के साथ 5500 का ये आ जाएगा, और सब बट इसमें लाइनर नहीं आएगा, आपका रेड लाइनर नहीं आएगा, आपको विंटर लाइनर नहीं आएगा, आपको आपका अलग से लेना पड़ेगा। बट मेरे को राइनॉक्स का जो RGT3 है, मेरे को बहुत दिन से पसंद था ये, आई लाइक दिस जैकेट, और ये मेरे को कॉम्बिनेशन चाहिए था, ब्लैक के ऊपर चाहिए था ये मेरे को, मेरे को नियन का भी एंड रेड का भी ये अवेलेबल था उनका शॉप में, बट मेरे को ये जो ये कलर मेरे को पसंद था, और ये इधर से अब भी ये अब आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, अब आपका हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर लेना, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो इसको उस हिसाब से, ठीक है। मेरे को लगता नहीं है जी अभी इस सीजन पे तो अभी लाइनर चाहिए, बट ये जैकेट ही काफी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, पसीना हो रहा है, पंखा बंद है अभी। आपको नेक्स्ट हम तीन नंबर पॉइंट पे जा रहा है, वो है रेन लाइनर। ये जो है ये राइनॉक्स का रेन लाइनर है, और इधर से राइनॉक्स का ये लेवल भी दे रखा हुआ है, ये भी मैं आपको रेट भी बताऊंगा, बता रहा हूं, और आपको मैंने इसके बारे में बता रहा हूं। देखिए ये नाइट का टाइम पे प्रॉपरली ग्लो करेगा, तो अगर ये तीनों चीज है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा राइडिंग में, और ज्यादा कुछ सामान का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्प कर देगा आपको टोटली। अच्छा मैंने एक चीज बोलने के लिए भूल गया, मैंने जो साइज जो यूज कर रहा हूं वो लार्ज है, ठीक है, मेरा जो ये जो साइज है ये लार्ज है, बस दैट्स इट, ये प्रॉपरली ये आएगा इसके साथ। इसका साइड में कोई जीप नहीं है, पर ये साइड पे आपको लॉक ये लगा हुआ है, आप इसको टाइट कर सकते हो इसको, आई थिंक इज गुड एनफ, ठीक है। ये आपको 1000 का पड़ेगा राइनॉक्स का, ये वाला जो रेन लाइनर है अपर का 1000 का आएगा, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है नी गार्ड, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है ये नी गार्ड, मैं एक्चुअली राइडिंग पैंट पहन के मेरे को प्रॉब्लम होता है, बड़ा अनइजी फील होता है, इसलिए मैंने नी गार्ड प्रेफर करता हूं, लाइक दिस एंड लाइक दिस,
ये आपको अच्छा अच्छा कंपनी को मिल जाएगा। आप ये भी यूज कर सकते हो जो मैं यूज कर रहा हूं। ये आपको 1400 का मिल जाएगा, ठीक है, विथ एल्बो गार्ड। बट मेरे पास जब राइडिंग जैकेट है तो ये अभी फिलहाल मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्यादा गर्मी आएगा तो मैं इसको सिर्फ इसको मैं साठ का साथ मैं इसको पहन के यूज कर सकता हूं ओनली। अगर मेरे को राइडिंग जैकेट नहीं पहनने का है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं इस चीज को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये पहनना बहुत जरूरी है फॉर सेफ्टी के लिए। मैं भी जैकेट का अंदर तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि जैकेट में ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है, लेवल टू प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसमें अंदर से। बट ये मैं जब मेरे को जैकेट नहीं पहनने का है ज्यादा गर्मी में तब मैं इसको, और ये सब एडजस्टेबल है, इसको आप अपना हिसाब से एडजस्ट करके पहन सकते हो एज अ प्रोटेक्टर। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग से मैंने आपको, मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था, मैंने चेन क्लीनर लिया, चेन ल्यूब्रिकेंट लिया था, मैंने ल्यूब लिया था, चेन ल्यूब तो मेरे पास था। बट मेरे को रॉयल एनफील्ड का जो चेन क्लीनर था वो मेरे को पसंद नहीं था। मैंने उसका काफी वीडियो का मैंने यूट्यूब में मैंने रिव्यू पढ़ा, मेरे को वो पसंद नहीं आया था। मेरे को मोतुल का मेरे को चेन जो क्लीनर है उसका मैंने रिव्यू मैंने पढ़ा था, उसको वो मुझे मालूम था, मेरे को वो लेने का था क्योंकि मैंने जब लास्ट मेरा वीडियो में दिखाया था एक्चुअली रॉयल एनफील्ड का शोरूम में तो मोतुल का मुझे मिलेगा भी नहीं। तो आज जब मैंने कोरोलबाग मैंने जब विजिट किया था तो मेरे को मिल गया था मोतुल का चेन ल्यू क्लीनर C1 मोतुल का है। ये आपको 550 का पड़ेगा बट वो डिस्काउंट करके 500 तक दे देगा वो आपको। इज द वेरी गुड चेन क्लीनर। अगर जैसे ही आप 500 किलोमीटर हम क्रॉस करता है बाइक को खड़ा करो, चेन को एक कपड़ा से हम साफ करेंगे और उसके बाद चेन क्लीनर लगा के फिर हम एक बार कपड़ा सॉफ्ट क्लॉथ से उसको साफ करेंगे फिर ल्यूब कर देंगे चेन, बस तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इज अ वेरी गुड चेन क्लीनर मॉड्यूल का चेन क्लीनर C1। इसका आप ल्यूब भी ले सकते हो, इसका ल्यूब भी बहुत बढ़िया है। बट मैंने ल्यूब इसीलिए यूज नहीं किया, मैंने डे वन से जब से मैंने मेरा जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रिवन है मैंने उसको रॉयल एनफील्ड का वो यूज किया हुआ है, इसका जो ल्यूब है तो वो उसके लिए मतलब ठीक है, मैंने यूज नहीं किया था, मेरे को मिल गया था इट्स फाइन। तो मैं आपको जो लास्ट वीडियो में दिखा था वो मैं चेन ल्यूब रॉयल एनफील्ड का काटता हूं, बट ये जो चेन क्लीनर है ये मोतुल का है। नेक्स्ट टाइम मोतुल का मैं एक बार यूज करके देखूंगा, मैं काफी जगह का मैंने रिव्यू देखा हूं, मोतुल का चेन ल्यूब भी बहुत अच्छा है, मैंने इसका रिव्यू पढ़ा था। ओके, तो नेक्स्ट मेरा जो सामान रह गया वो रहेगा बंजी कॉट। ऑलरेडी मेरे पास जो फ्लैट स्टोन वाला बंजी कॉट मेरे पास है, आप लोग जब बंजी कॉट खरीदोगे जो ये फ्लैट वाला आप बंजी कॉट खरीदना, जो आप लोगों का जो टेल बैग है उसको बांधने के लिए, ये मैंने लिया था श्रीनगर से, उत्तराखंड श्रीनगर, कश्मीर वाला नहीं, ठीक है, ये लिया था। बट मेरे को ये वाला बंजी कॉट भी अच्छा लगा जो मैंने आज लिया हूं, ये मेरे को उस टाइम 150 रुपए का पड़ा था एक बंजी कॉट, बट ये मैंने इसको 3-4 बार यूज किया, बहुत जबरदस्त, इसमें ना रिपीट लगा हुआ है इस जगह पे, बहुत अच्छा बंजी कॉट है, ठीक है। बट आज जो मैंने बंजी कॉट यूज लिया हूं वो है ये 80 रुपीज का पीस है, ये भी गलत नहीं, इसमें फाइबर बाग कुछ यूज नहीं है इसमें प्रॉपरली, ये देखो ये यूज किया हुआ है, स्टील तो नहीं बोल सकता हूं मैं बट आयरन का ऊपर भी क्रोम किया होगा शायद, यूज किया अच्छा बंजी कॉट है, मैं देख के पता लग गया, तो मैंने ये दो लिया, मेरे को चाहिए था दो, ठीक है। तो फिलहाल इतना सामान ही मैंने कैरी कर रहा हूं, मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप है, और ये तो मेरा जैकेट का वो कवर है, वो लोग अपना आप दे देगा जो राइडिंग जैकेट का जो कवर है उसके लिए, ठीक है। और आफ्टर ऑल आप लोगों को मैंने सब एस्टिमेट भी बता दिया कितना क्या रेट है, ठीक है। तो 5500 के अंदर आपका राइडिंग जैकेट मिल जाएगा, बट मैं
एक चीज छोटा सा सजेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत राइडिंग गियर है, बीबीजी का मिल जाएगा आपको, आपको सोलास का मिल जाएगा, और कोशिश करना राइनॉक्स का ही लेने के लिए। मैं राइनॉक्स इसीलिए कह रहा था, तो बहुत पुराना कंपनी है और मैंने मेरा एक्सपीरियंस जितना भी मैंने वीडियो देखा हूँ, मैं उन लोगों से एक्सपीरियंस मैंने लिया हूँ, मैं दे ऑल्सो दे वो लोग भी प्रेफर करता है जो राइनॉक्स का ही के लिए। राइनॉक्स का एक अच्छा प्रोडक्ट है इसीलिए, बट मेरे को भी मानना ठीक है, एक बार यूज करके देख सकते हो आप लोग। जे मैं राइनॉक्स के लिए इसलिए बोल रहा था, राइनॉक्स गुड कंपनी और इनका जो अच्छा नाम भी है। चलो ये ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट लेने का है राइडिंग जैकेट का अंदर, तो राइनॉक्स का ही तो लेने का है, सीधे बात है। तो और आपका जो इनर लाइनर, विंटर लाइनर और जो रेन लाइनर है, वो आपको 1000, 1000, 2000 का अंदर आपको दोनों लाइनर आ जाएगा। तो 7500 का अंदर आपका अपर का जो भी है प्रोटेक्टर वो आपको सब मिल गया, और 1400 बा 1500 का अंदर आपका प्रोटेक्टर आ जाएगा, बस दैट्स इट। ये मेन चीज है। ग्लव्स, ग्लव्स जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था, ये टारमैक का ग्लव्स, ग्लव्स अच्छा यूज करना, क्योंकि ग्लव्स अच्छा यूज करने का जरूरत है। आपको फिंगर को ऑलवेज आपको ड्यूरिंग राइडिंग, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैंने हम लोगों ने कुछ उल्टा ग्लव्स यूज करेंगे तो सपोज मेरे को उस टाइम पे कुछ निकलने का, मेरा फिंगर काम नहीं करेगा, मेरे को राइडिंग मेरे को ग्लव्स निकालना पड़ेगा, उसमें दिक्कत होगा। बट इसको अब मैंने आपको वीडियो का पहले दिखाया, ये इसीलिए मैंने फास्ट में ही दिखाया। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग ग्लव्स ऐसा हो जो इजी टू ऑपरेट ड्यूरिंग राइडिंग, आपको जब राइडिंग का टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप इजीली राइड कर सकते हो और ये कंफर्टेबल हो, और इवन ये आपको प्रोटेक्ट भी कर सकता है प्रॉपरली। तो टारबैग मुझे अच्छा लगा, थोड़ा महंगा है ठीक है, बट टारबैग इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मैंने सुना भी था, मैं थोड़ा सा मैंने ले नहीं पाया था उस टाइम क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इतना सालों बाद मैं ले रहा हूं, मेरे पास मेरे को अच्छा लगा था, बट ये चलेगा। अगर आप एक बार ले लोगे तो 2-3 साल तो आप आराम से इसके यूज करो, आंख बंद करके 3 साल, ओके। तो आज का वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था एक नॉर्मल जो एक सोलो राइडिंग सोलो राइडर का एक जो नॉर्मल जो चीज आपको लेके चलने का है ड्यूरिंग राइडिंग, एक ट्रेल बैग हो गया, एक सैडल बैग हो गया, एक टैंग बैग हो गया, और आपका एक प्रॉपरली जैकेट। राइडिंग शू मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी राइडिंग शू है जिसको मैंने पहले ही खरीद लिया था, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया था उसके बारे में। वन और मैंने सोचा था इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊं, मैंने बना दूंगा। मैंने एक इंपॉर्टेंट थिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, टायर इन्फ्लेटर। टायर इन्फ्लेटर बहुत जरूरी है, सबके साथ रखने का बहुत जरूरी है ड्यूरिंग राइडिंग। मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूं, मैंने एक टायर इन्फ्लेटर भी लिया, बट इसका जो प्रॉपर वीडियो है मैं बाद में दिखाऊंगा, इसमें नहीं दिखाऊंगा। ये है रेस्क्यू टैक का टायर इन्फ्लेटर, ये एकदम कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट टायर इन्फ्लेटर फॉर कार, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स, ठीक है। ये कार के लिए है जिसका कार में यूज कर सकते हो आप लगा के। मैंने इसको चेक भी किया था, बट इसका जो इंस्टॉलेशन है वो मैं लगाऊंगा। मेन चीज है ये, एक छोटा सा चीज है, मैं आपको जस्ट मोटा मोटा बता देता हूं अभी इस वीडियो में। ये आपका बैटरी के साथ कनेक्ट करने का है और इसको छोड़ देने का है, इसको बंद करके रख दो, जब कभी जरूरत पड़ेगा टायर इंसुलेटर निकालो आपका। ये तो आपका कनेक्टर है ही बैटरी के साथ, ठीक है। इसका एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली आप लोगों को दिखाने के लिए। ये चीज मेन है, आपका बैटरी के साथ जोड़ो, जोड़ के उसी के अंदर ही इसका मुख बंद करके इसको रख दो, ठीक है। इनकेस जब जरूरत पड़ेगा, जो आपने मुख बंद करके रख दिया उसके साथ इसको ओपन करो, इसके साथ लगाओ और इसको टायर में लगा के 2 मिनट के अंदर, मैंने टेस्ट किया था इसको, 2 मिनट के अंदर 10 PSI से 35 PSI हो गया था 2 मिनट के अंदर। बहुत अच्छा टायर इन्फ्लेटर है,
मैं इसके लिए बहुत वीडियो सर्च किया, बहुत रिसर्च करने के बाद भी लिया। ज्यादा रेट नहीं है ये, 1155 का पड़ा था मुझे को। इससे भी अच्छा अच्छा पाउच मेरे को ये एक्चुअली ये इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि वेरी कॉम्पैक्ट है, ये ज्यादा जगह नहीं घिरेगा, छोटा सा जगह में यह आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगा, सब कुछ करूंगा, बट मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ। ये होना चाहिए, रात को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर इनके साथ के पास अगर क्या बोलता है उसमें ट्यूबलेस टायर है तो कोई बहुत अच्छा है। इसको अगर आप इनकेस निकल गया, इसको आप एयर भरो और आप निकल जाओ, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ चीज, आपको हेल्प हो जाएगा। ये आपका साथ हमेशा होना चाहिए। ओके, तो मोटा मोटा चीज मैंने अभी आज दिखा दिया, बाकी जो इसका इंस्टॉलेशन है ये सब मैं आपको साथ शेयर करूंगा धीरे धीरे। तो मेजर पार्ट आई थिंक आज ओवर हो गया, जो राइडिंग गियर का मुताबिक था, जो प्रोटेक्टर का बारे में था हमारा वीडियो। तो आशा करता हूं आप लोगों को ठीक लगा होगा, आप लोग एंजॉय कर, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला होगा प्रॉपरली। ये मैंने वन मोर टाइम मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं, ये चीजें मैंने लिया ही है कोरोलबाग में, आर्य समाज रोड पे है, चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स, उनके पास से लिया। उनके पास रेट भी सही है, कोई मैंने काटता नहीं है, दिल्ली में इतना साल हो गया ना, मुझे पता है काटता नहीं है, ठीक रेट लिया एकदम। चलो फिर मिलते हैं, गुड नाइट सबको, बाय बाय, मिलते हैं।